जीवन ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। रायसिंहनगर से हमारे संवाददाता रामस्वरूप नायक ने बताया, रायसिंहनगर ग्राम पंचायत बगीचा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर किया हमला और गार्ड के साथ गाली गलौज तथा गार्ड की पत्नी के साथ किया दुर्व्यवहार। जानकारी से पता चला कि सोहनलाल पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी बगीचा ग्राम पंचायत में स्थित राजीव गांधी की सेवा केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात है। गार्ड सोहनलाल ने बताया कि रात्रि करीब 11 बजे ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ड्यूटी पर मैं तैनात था तथा मेरी पत्नी भी साथ थी। उसी समय गांव बगीचा का निवासी रणवीर भादो पुत्र मांगीलाल जाति जाट आया, जो कि शराब के नशे में था। आते ही गालियां देने लगा तथा मुख्य कैंची गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया, जो टूटा नहीं तो गेट को क्षतिग्रस्त कर वह मुख्य हॉल के दरवाजे की तरफ गया। वहां उसने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया तथा रोशनदान पर लगा शीशा भी तोड़ दिया और हम दोनों पति पत्नी से मारपीट की, जिससे पत्नी के पैर में भी चोट लगी। साथ ही मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर साथ ले जाने का प्रयास किया, कहने लगा कि मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनको बुलाकर तेरी पत्नी को उठा कर ले जाऊंगा तथा ग्राम पंचायत के दस्तावेज ले जाकर फाड़ दूंगा। साथ ही जाति सूचक गालियां दी, मुझे डेढ़ कहा तथा कहा कि मैं डेढ़ों को सरपंच नहीं करने दूंगा। उसके तुरंत बाद मैंने विरोध किया तो वह भागने लगा तो दीवार या अन्य किसी चीज से टकराने पर चोट भी लगी, जिसके खून के निशान सुबह देखे गए, जो मौके पर अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद मैंने ग्राम विकास अधिकारी महोदय को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत सहायक जो कि इसी गांव के निवासी हैं, उन्हें सूचित किया गया, जो मौके पर गांव से अन्य व्यक्तियों को लेकर आए तथा कुछ आस पड़ोस के लोग और शोर सुनकर भी आ गए। केंद्र में क्या घटना घटी? अच्छा, पी रखी थी।